अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगी। आज मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मेरे साथ कांटेक्ट करवा रहे हैं और वो मुझसे पूछ रहे हैं। इसके बारे में हमें बता दो कि हमने इसको यूज़ करना है या नहीं करना, और वो क्या है। वो ये वाला बुक है जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है ना वो अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मुझे मैसेज करवाते हैं कि हमें ये बता दो कि ये चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, हमारी फाइनल टर्म एग्जाम में या हमें हेल्पफुल करवा सकते हैं या नहीं। तो आज तक जो है ना मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि हमारा मिड टर्म एग्जाम था, मैं फ्री नहीं था। लेकिन आज मैंने इनके ओनर के साथ मीटिंग की और मैंने उससे पूछा कि जितनी ये इतनी ज्यादा स्टूडेंट जो पूछ रहे हैं तो इसके राज क्या है और इसमें फीचर्स क्या है ऐसी जो आपसे जो है ना स्टूडेंट्स ये चीज बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं इस चीज की। ओके, तो उन्होंने मुझे जो फीचर बताई इसी वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा। इनमें जो है ना मैं आपको अपना सजेशन दूंगा कि वेदर आपने जो है ना ये बुक रीड करना है या नहीं, या ये आपके फाइनल टर्म एग्जाम में ये हेल्पफुल साबित हो सकता है या नहीं। ओके, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करवाएं। ओके, तो सबसे पहले ये वाला जो बुक है, ये जब मैंने उनके साथ मीटिंग शुरू की और मीटिंग में जो उन्होंने मुझे बताया, जो ओनर थी इसकी, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया जो उन्होंने मुझे बात बताई कि अभी तकरीबन इसकी हमने सही तरह से मीडिया की जो वो होते हैं मीडिया एडवर्टाइजमेंट या मीडिया अनाउंसमेंट वो भी हमने सही नहीं करवाए हैं, हमने विजिट्स भी नहीं करवाए हैं किसी कॉलेज में। लेकिन विद इन 10 to 12 डेज इसकी तकरीबन 600+ कॉपीज जो है ना वो सेल हो चुके हैं ऑलरेडी, मतलब इतना डिमांडेबल है। और साथ में उन्होंने मुझे बताया कि तकरीबन ये सिर्फ केपीके की स्टूडेंट नहीं, हमने तो केपीके की स्टूडेंट के लिए बनाया था, लेकिन वो कह रही थी कि जो पारन के जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब अवर प्रोविंसेस की, पंजाब की या कराची की, वो 1000 तक पी जो है ना डिलीवरी पी जो है ना वो सब जमा करवाते हैं और हमें कहते हैं कि हमें ये बुक जो है ना उधर वो क्या करवा दो, डिलीवर करवा दो। तो आप खुद सोचिए कि कराची और पंजाब के स्टूडेंट, बक्कर और इस तरह की एरिया की उन्होंने मुझे बताया कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करवाते हैं। तो इस बुक में स्पेसिफिकली है क्या स्टूडेंट्स के लिए, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट इतना ज़्यादा डिमांड करवाते, तो ये मैंने उनसे पूछा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मुझसे पूछ रही थी। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे जो फीचर्स बताए और जो बात उन्होंने मुझे की, तो वाकई में मैं उनको अप्रिशिएट करने लगा जो काम उन्होंने किया था, और मैं इस बात में मजबूर हो गया कि मैं इस चीज़ को अपलोड करवा दूं अपनी चैनल पे। उन्होंने मुझे एग्जांपल भी दे दिया, मुझे कहा कि अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगा तो आप अपलोड करवा दें, अगर ना लगा तो आप ना करवा दें, हमें कोई भी वो नहीं है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें है क्या इतना स्पेशल। सबसे पहली बात ये है कि ये जो केएमयू की मेन जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये चीज़ बनाया है, ये जो नाम उस पर लिखी गई है ना, ये स्टूडेंट्स इन्होंने ये बुक बनाया हुआ है, इनके गाइडेंस में एक पूरा टीम जो इन्होंने ये बनाया। तकरीबन ने मुझे कहा कि 1 साल लग गया है हमें इन एमसीक्यूज को मुरतब करने में। फिर उन्होंने जो आपके जो टीचर्स आपके लिए जो फाइनल टर्म के पेपर्स बनाते हैं ना, जो मेन टीचर्स होते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, उन्हीं टीचर की कंसल्टेशन से इन्हें ये बनाया, उन्हीं से जो है ना इन्होंने ये रिवाइज करवा दिया। अब आप खुद देख ली कि कितना इंपॉर्टेंट होगा इस बुक के एमसीक्यूज। अब फिर उन्होंने मुझे बताया कि तकरीबन इसमें बेसिकली जो टीचर्स हैं उसमें ये तो ऐप था कि इसकी सारी के सारी एमसीक्यूज क्या है, सबसे ज्यादा अथेंटिक एमसीक्यूज है, मतलब कोई ऐसा एमसीक्यूज नहीं है कि वो रॉन्गली आंसर हो, या ऐसा एमसीक्यूज नहीं है कि वो स्टूडेंट्स की एबिलिटी के मुताबिक नहीं हो। क्योंकि नर्सिंग में होता क्या है, बेसिकली डिफिकल्टीज नर्सिंग में होता क्या है, डिफिकल्टी ये होते हैं हम जब थे ना, हम अभी भी कि हम जब स्लाइड रीड करवाते हैं उधर एमसीक्यूज जो है ना किसी बुक से आए हुए होते हैं, जब हम बुक को रीड करवाते हैं एमसीक्यूज की गूगल से आए हुए होते हैं, तो हम इस चीज़ में हमें भी आज तक जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानी है कि कोई ऐसा बंदा उठ जाए जो इस तरह के एमसीक्यूज बना ले जो आपके नेट को भी वो कवर करवा ले, आपके वो बुक्स को रेफरेंस बुक को भी कवर करवा ले, आपकी स्लाइड को भी बुक वो करवा ले कवर करवा ले। तो ये जो पहला बुक उन्होंने मुझे दिखाया और मैंने देखा इनके जो फीचर्स और फिर अंदर मैंने देखा कि इसमें जो एमसीक्यूज थी तो आपकी तीनों फॉर्मेट्स को जो है ना वो क्या करवाते हैं, कवर करवाते हैं, आपके स्लाइड्स को भी, आपके रेफरेंस बुक्स को भी, और आपके उसको फाइनल गूगल वेबसाइट्स को भी। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया, इतने इश्योर थी वो अपने एमसीक्यूज पे कि ये स्टूडेंट्स की तकरीबन 70 to 80% की फाइनल एग्जाम को वो जरूर की जरूर जो है ना वो क्या करवाएगा, कवर करवाएगा। तो अब आप खुद देख ली, स्पेसिफिकली इन्होंने मुझे बताया कि इसमें तो ये किए हैं कि हमने ये एमसीक्यूज बनाई है जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर है उनकी कंसल्टेशन से। दूसरा इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है पास्ट पेपर है। उन्होंने मुझे कहा कि इसमें तकरीबन हमने 5 to 6 ईयर की पास्ट पेपर वो ऐड किए, लेकिन इस तरह के ऐड नहीं किए कि उधर से हमने कॉपी पेस्ट करके इधर लिखी। उन्होंने मुझे कहा कि हमने एक एक को टाइप किया है, फिर एक एक पास्ट पेपर को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है हर एक यूनिट में। मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ ना, ये वाली जो पोर्शन
इधर ये वाली जो सेल्फ असेसमेंट पोर्शन ने मुझे कहा कि ये सारी के सारी क्या है, पास पेपर है, ये वाली जो पोर्शन है, और इस पास पेपर को जो है ना हमने हर एक यूनिट में इस तरह की दिया है। तो ये वाला जो प्रोमो है, ये प्रोमो आप फिर देख सकते हो हमारे चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक लिंक होगा, लिंक से आप उधर से डाउनलोड करवा सकते हो ये प्रोमो। ओके, तो इस प्रोमो में फिर आप देख सकते हो इसमें हर एक सब्जेक्ट के एक एक यूनिट आपको दिया गया है विद आंसर्स। तो फिर आप आंसर्स को भी चेक करवा सकते हो किस तरह के ऑथेंटिक उन्होंने बनाए, कितना उन्होंने जो है ना ये एक गुड लुकिंग भी बहुत ज्यादा जबरदस्त, जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट में स्टूडेंट्स होते हैं इसको रीड करने में, कि रीडिंग भी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही। तो दूसरा जो इसके फीचर था वो क्या था कि इन्होंने पास पेपर इसमें ऐड किया और पास पेपर को इन्होंने हर एक यूनिट में जो है ना वो डिवाइड करवाया है। तो आपको फिर इजीली जो है ना फिर पता चलता है, मतलब ये कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट जब इस फील्ड में आते हैं ना नर्सिंग में, उसके लिए मुश्किल क्या होता है, मुश्किल ये होता है कि नर्सिंग में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसकी कंसेप्ट जो है ना उनके माइंड में पहले से नहीं होता, जैसे कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हुआ, जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया। तो ये ऐसे सब्जेक्ट है जो ड्राइड सब्जेक्ट है जिसकी पहले से कंसेप्ट नहीं है, जैसे कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी उसकी पहले से कंसेप्ट है। तो ये स्टूडेंट फिर कंफ्यूज होते हैं कि इसमें एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे। बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है ना मुझे मैसेज करवाते हैं कि सर कल हमारा OCHN का पेपर है, उसके लिए हम किस तरह प्रिपरेशन करवा दें, किस तरह की कौन कौन सी एमसीक्यूज हम उसके लिए देख लें। तो फिर मैं उसको समझाने में मुझे भी डिफिकल्टी होती है कि मैं आप किस तरह इसको समझा दूं। तो उसके लिए आप इजी सॉल्यूशन क्या है कि इस बुक को देख लो, इस बुक में जो एमसीक्यूज है हर एक यूनिट में तकरीबन 200 या 150 एमसीक्यूज हर एक यूनिट में है, और एक्सप्लेन है हर एक यूनिट में एमसीक्यूज आपको बता रहा है कि किस तरह के एमसीक्यूज जो है ना आपके फाइनल टर्म में आ सकते हैं। तो इजीली जो है ना आप आइडेंटिफाई करवा सकते हो उस एमसीक्यूज को। ओके, तीसरा मेन फीचर इसके है कि इसमें सारे सब्जेक्ट आपके जो 6-7 सब्जेक्ट्स है ना आपके सेकंड सेमेस्टर की, इंक्लूडिंग पॉक स्टडी एंड इंक्लूडिंग इस्लामियात, हर एक सब्जेक्ट को इन्होंने कवर करवाया है, और हर एक सब्जेक्ट के इन्होंने पास पेपर भी इन्होंने हर एक यूनिट में डिवाइड करके आपको दी है कि ये पास पेपर आपके उसकी है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको बहुत लो प्राइस में इन्होंने मुझे बताया कि हमने बिजनेस के लिए नहीं, लेकिन ये हमने सिर्फ स्टूडेंट्स के खातिर बनाया कि ताकि हमारे जो नर्सिंग कम्युनिटी है ये थोड़ा सा अप लेवल हो जाए, ये थोड़ा सा अप हो जाए, इनको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए कि आपने जो है ना किस तरह के एमसीक्यूज आपने देखनी है, आपने किस तरह की अपनी कैपेबिलिटीज अपनी पोटेंशियल को किस तरह आपने डेवलप करवाना है। तो बेसिकली उन्होंने मुझे बताया कि ये हमारा क्या है इस बुक के पर्पस है। ओके, तो सारे सब्जेक्ट ने कवर कर लिया, और तकरीबन आपको ये मिल रहे होगा 650 रुपीज़ में जो है ना आपको इसका एक कापी जो है ना आपको मिल रहा होगा। तो कितना इजी है ये आपके लिए, आप खुद सोचिए। मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं कि आप खुद सोचिए कि आप कॉलेज में जो है ना तकरीबन 1 लाख फी आप पर सेमेस्टर दे रहे हो, या कुछ स्टूडेंट जो गवर्नमेंट में होते हैं 50,000 पर सेमेस्टर वो दे रहे हैं, तो आप उस 1 लाख फी को आप जो है ना उसकी सिक्योरिटी के लिए आप 500 या 600 आप एक बुक जो है ना वो अपने लिए खरीद नहीं सकती, ताकि उसके आपके जो 1 लाख फी है वो आपको क्या करवा दे, वो आपको सिक्योर करवा दे। तो आप क्यों जो है ना आप 1 लाख फी दे रहे हो, आप अच्छी कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हो ताकि आपका जो पोटेंशियल है वो डेवलप हो जाए, आपके GPA अच्छा आ जाए, आपका वेल स्कोर आ जाए। तो वो स्कोर आप अटेन किस तरह करवा सकते हो, इसके लिए आपने कुछ देखना होगा, और वो देखना होगा जो आपके एग्जाम को जो है ना ज्यादा से ज्यादा कवर करवा दे। तो उसके लिए ये बुक मैंने खुद रीड की है। मैं इस तरह नहीं हूँ कि यार उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए है या इस तरह की वो बातें मैं नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये स्टूडेंट्स क्या करवा दे, ताकि स्टूडेंट जो मुझसे पूछ रहा है मुझ पे ट्रस्ट करवा रहा है, तो मैं उसको जो है ना कुछ अच्छा सा एडवाइस दे दूं कि आपने किस तरह करवाना है। ओके, तो ये उन्होंने मुझे बताया कि तकरीबन ऑल सब्जेक्ट उन्होंने सिर्फ एक ही बुक में जो है ना वो क्या क्या है कवर करवाए। अब स्टूडेंट्स क्या कहते हैं इस बारे में, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि इसी तकरीबन 10-12 डेज में उन्होंने कहा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं तकरीबन 600 प्लस कापीज इसकी सेल हो चुके। तो वो स्टूडेंट्स के रिएक्शन क्या है, तो स्टूडेंट्स से जब मैंने मुझे मैसेज करवाते हैं, मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूँ, तो वो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा वो खुश होते हैं कि पहली मरतबा इस तरह की, जब हम फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम वो कह रहे कि दे रही थी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था हमारे लिए कि अब हम क्या देख ली, कहाँ से हम MCQs देख ली, किस तरह के हम MCQs कवर करवा ली। लेकिन अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है, और बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे लिए हेल्पफुल है, हमारे पास पेपर भी हमारे लिए अवेलेबल है। हत्ता कि मैं आपको एक बता रहा हूँ, हमारे पास एक रूममेट था, वो क्या करवा रहा था, वो 2-3 साल के वो पास पेपर देख रही थी, और वो उन पास पेपर को प्रिंट करवा रही थी। सिर्फ उन 2-3 साल के पास पेपर को जो वो प्रिंट करवाती थी तकरीबन 200-300 उसके लग जाते थे उस पास पेपर पे। तो इतना ज़्यादा ये आपके लिए इजी है कि आप 600 पे आप सारा का सारा बुक भी ले लो, सारे के सारे MCQs आपके रेफरेंस बुक से भी, आपके स्लाइड
स्लाइड से भी आपके जो पास पेपर थे उसकी भी सारे के सारे आप 600 में क्या करवा दो, वो कवर करवा दो, आपकी पोटेंशियल को क्या करवा दे, वो डेवलप करवा दे। तो मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वो है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, हत्ता कि उनने कहा कि हमसे कॉलेज के प्रिंसिपल जो है ना ये मांग रहे हैं कि हमें ये दे दें, हम अपने स्टूडेंट्स को जो है ना ये बुक अवेलेबल करवाना चाहते हैं ताकि उसकी स्कोर अच्छे आ जाए। ओके, तो इतना हेल्पफुल है आपके लिए। मेरा जो पर्सनल सजेशन है आपके लिए कि बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल है, आप उस खुद जो है ना इसकी पिक्चर जो है ना आप वो क्या करवा सकते हो, देख सकते हो इधर ये वाली सारी की सारी इसकी क्या है पिक्चर इन्होंने इधर लिख के, तो आप इस फीचर को भी देख सकते हो। आखिर में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इसको किस तरह लेना है, इसको ऑर्डर किस तरह करवाना है। तो ये वाला जो मार्केटिंग मैनेजर है बिलाल इकबाल, इससे आप रब्ता करवा सकते हो इसी नंबर पे। ये वाला उसके नंबर है, व्हाट्सअप नंबर और कस्टम नंबर दोनों ये वाले हैं, इस पर आप उससे रब्ता करवा सकते हो। लेकिन आप कोशिश करवा दो कि आप क्या करवा दो, आप एक ग्रुप में आप उसको अप्रोच करवा दो, अपनी क्लास में इसको शेयर करवा दो और क्लास वाली इसको देख ले, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना उसके लिए क्या होगा, आपके लिए भी ईजी होगा और आप पे फिर डिलीवरी चार्जेस भी बहुत ज़्यादा कम आएगी, बुक के प्राइस में भी वो आपके साथ जो है ना बहुत ज़्यादा वो करवाएगा, आपको बुक की प्राइस भी अच्छी लगेगी और साथ में आपकी डिलीवरी भी बहुत ज़्यादा कम होगी आप पे। ओके, तो ये जो है ना आप उससे रब्ता करवा दो, फिर वो आपको एग्जैक्ट रेट भी बताएगा और आपको डिलीवरी चार्जेस तो तकरीबन अगर आप ग्रुप में अप्रोच करवाते हो, ग्रुप में आप जाते हो, तकरीबन ने इधर कहा है कि ग्रुप ऑफ मोर देन 10 स्टूडेंट, तो जब 10 से ज़्यादा स्टूडेंट तो फिर उसके लिए डिलीवरी चार्जेस भी नहीं है, फिर आप डिलीवरी चार्जेस उसको फिर वो पहुंचा रहा है। ओके, तो फिर ये इस नंबर पे उसके साथ आप कांटेक्ट करवा दो, वो आपको मजीद। लेकिन मेरा जो जिम्मेदारी था वो सिर्फ यही था कि स्टूडेंट यही पूछ रहे थे कि ये चीज़ हमारे लिए किस तरह है, तो मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, आपके मार्क्स को भी बहुत ज़्यादा अच्छी करवा सकते हैं और साथ साथ में आपकी जो पोटेंशियल है, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो स्किल्स है उसमें भी बहुत ज़्यादा। जो आखिर में जो बात मैं एक बात मैं इसमें भूल गया, वो इसके आसपी है, आसपी इसमें बहुत ज़्यादा वो है कि इन्होंने आसपी की एग्जाम्पल दी है, मॉडल पेपर जिन्होंने दिए हैं उन्होंने बताया कि आपने आसपी को किस तरह जो है ना आपने डिफरेंट सब्जेक्ट के आसपी किस तरह कवर करवाना है, हर एक आसपी के उन्होंने वो मॉडल पेपर्स दिए हैं, हर एक आसपी के लिए जो गाइडलाइंस है वो इन्होंने दिए, और साथ में जो खसूसी बात है कि जो इसी साल जो आसपी के एक न्यू पैटर्न आ रहा है उस न्यू पैटर्न को भी इन स्टूडेंट ने जो है ना इन लोगों ने क्या करवाया है अपनी इस बुक में उन्होंने डिटेल से डिस्कस करवाए कि किस तरह इस न्यू पैटर्न के साथ फिर आपने आसपी देनी है, तो वो भी और साथ में आपके एमसीक्यूज भी बहुत अच्छी तरह इन्होंने कवर करवाए। मेरा पर्सनल सजेशन आपको ये कि आप इस बुक को ले लिया, अपने 1,00,000 पीस के लिए जो है ना आप 500 के थ्रू उस 1,00,000 पीस को आप सिक्योर करवा लें। ओके, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।